बाइक कर लेगा यहाँ जाएंगे और एक लोकेशन ये तरफ में उसमें रिटर्न में जाएंगे सो व्हाट इज दिस साइड निमो पॉइंट सर निमो पॉइंट व्हाट डू यू निमो बोलने से आपका पर्सनल घर में रहता है फिश जो फिश का जो पर्सनल घर होता है वो नेमो फिश का होता है जो अपना पर्सनल हाउस में रहता है घर छोड़ के जाएगा नहीं किसी को घर का अंदर जाए नहीं तो उसका मूवी निकला है कार्टून मूवी फाइंडिंग नेमो करके वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने मिलेगा जो स्कूबा करने से सी वॉक करने से पॉसिबल होता है तो आप शैलो वाटर में किस्टली वाटर में देख पाएंगे फर्स्ट ये दोनों कवर कर लेते हैं उसके बाद पीछे देखिए सर जो पेड़ दिखे ग्रीन कलर के पत्ते इसका साइंटिफिक नेम है पैंडानस ट्रैक्टोरिया लोकल लैंग्वेज में से केवड़ा कहते हैं इसका जो फल देखिए ग्रीन कलर की पकने के बाद पाइनएपल का पकने के बाद ऑरेंज कलर की होती है वो जो आदिवासी होती है उन लोग नशा करने के लिए यूज़ करते हैं उनको प्रोसेस पता है क्या करते नशा करते हैं उन लोगों को प्रोसेस पता है क्या ऐसे क्या मिक्स करके ज़्यादा उड़ाते हैं नशा करने हम लोग प्रोसेस पता नहीं हम लोग यूज़ नहीं करते ऐसी होती है ये साइड में दो लोकेशन रहेगा और ऊपर नीमो का लोकेशन ओके सी मऊ है सी मऊ हैंगिंग किया हुआ है हमने देखा किचन का जैसा मर्ड जैसा दिख रहा है आपको अगर आपको आपको खाना है तो 7 डेज पहले आगे जाके लाइव ये भी एक नशीली चीज है ठीक है सर ये जो स्ट्रांग सनलाइट ये सन की वजह से लो टाइड का बीच है ये लो टाइड यहाँ पे 8 घंटे 6 घंटे रहते हैं लोग टाइड लो टाइड आने में 8 घंटे 10 घंटे लग जाता है या वो ये नेमो पॉइंट वहाँ लास्ट में हम लोग जाएंगे पास में देखना है हाँ पास ही है मैडम नीचे देखिए जो ये नीचे जो बोन की तरह कोरल दिख रहा है सर ये देखिए लंबे लंबे बोन की तरह हर बीच में आपको देखने मिलेगा ये डेड फिंगर कोरल है ये डेड कोरल डेड फिंगर कोरल 2004 में जब सुनामी आया था वो टाइम में कोरल में ज़्यादा इफेक्ट हुआ क्योंकि ये पेड़ का डाल कैसा होता है वो आगे जाकर आपको सेकंड पॉइंट में दिखाता हूँ आपको दिखाई दूंगा ये देखिए और लीचेस यहाँ पे है ये देखिए लीचेस वो खा के यहाँ पे देखिए होल्ड करके रखा है ठीक है सर आ जाइए सर एक जगह पे क्योंकि बहुत टाइम लगेगा 1 घंटा 10 मिनट अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ अगर ये करेंगे तो कोऑपरेट करेंगे तो 1 घंटा 10 मिनट कवर करेंगे यू हैव ओनली 1 आवर नहीं दिख रहा पानी इनविजिबल है पानी एक यूज करो तो पैर मत रखो तो यहां पे मैं जब लेक वहां पे जाएंगे तो सबसे पहले नहीं कि वहां पे ये चीज आप के आगे चले दिखाऊंगा कि पल पर पानी में रहता है सामने एक आइलैंड है सब दिख नहीं रहा है पोपड़ा आइलैंड है हल्का हल्का बाहर दिखेगा देखिए राइट साइड में एक आइलैंड देखिए दिख रहा है राइट साइड में आइलैंड दिख रहा है वो आप लोग आइलैंड है आप लोग आप लोग का बैक साइड दादा नगर बीच ये लोकेशन में आपका राइट आइए नीचे देखते हैं
ये नेचुरल ब्रिज, हाँ जी, ये टोटली डेड माउंटेन कोरल का ब्रिज है। हमार पानी का वैसे कटते ब्रिज का चुन रहा है, इसके नाम जो है हमारा ब्रिज नाम सर। ये लोकेशन पे आएंगे तो देख पाएंगे ब्रिज, लेकिन यहाँ से हमें फोटो नहीं। सर यहाँ से जाएंगे सर, हम लोग वो लोकेशन से चलेंगे, वहाँ से कुछ फोटोग्राफी करेंगे, यहाँ से। ठीक है सर। हाँ सर, ईस्ट ऑफ फ्रंट साइड है, थोड़ा संभाल के आइए, यहाँ से हल्का स्लिप होने का चांसेस है। घंटे घंटे से चाहिए, घंटे 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 से देखते हैं। जब सूरज का कारण पानी हीट होता है तब वो बाहर आता है ठंडा पानी ढूंढने के लिए। अगर गलती से उसका टेंटिकल कट हो जाएगा, लिजर्ड का जैसा फिर से रीग्रोथ हो जाएगा दो तीन वीक, जी दो तीन वीक के अंदर। देखिए सारा जगह कह दे ये वही अंडर वाटर वाला, अंडर वाटर यहाँ पर भी है, आगे भी है, यहाँ पे कम फिश है, आगे ज्यादा डाल दो। ये उनको भाई साहब को दे दो।
देख नहीं पाते। जो प्लांट होता है उसे टच नॉट प्लांट करते, आगे जाके दिखाएंगे, नेमो पॉडी भी देख पाएंगे। बॉल को टच करने अलाउड नहीं है, बॉल को टच करने तो उसके बाद कैल्शियम चले जाएगा धीरे धीरे, धीरे धीरे डेड होना स्टार्ट होता है। देखिए बिना गाइड का बहुत जन आते टच करने अगर उनको हाइट हो रहा है, देखिए मर रहा है। एक्चुअली कोरल को लिविंग करके 24 आवर पानी चाहिए, तब भी कोई लिविंग रहते हैं। देखिए गड्ढे में हमेशा पानी रहेगा, इसलिए लिविंग है, लाइव है। अब बाकी जो पानी नहीं रहता इसलिए मर चुका है। तीन रीजन होता है कोरल को डेड होने के लिए, ह्यूमन टच, डायरेक्ट सनलाइट गिरना और लो टाइड का कारण। अरे देखिए मधुमक्खी छत्ते में जैसे हनी कॉम्ब कोरल। गिनने के बाद थोड़ा स्विमिंग का किया, उसके बाद जगह थोड़ा रिलीज हुआ, कम कर कम लगाए फिर। ये स्टार्टिंग है, ऊपर जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं रात को फ्लैश लाइट टॉर्च मारने से ग्लो करती है। इसको क्या बोलते हैं आप? ब्रेन कॉलर जी। This one? Starting madam, yes sir, brain call का starting है। तो यहाँ पे ब्लैक कलर का दिख रहा है कुछ कटा कटा जैसा, सी अर्चिन है।
बलीपुरा जैसा पैटर्न वैसे ही नाम है, आगे भी है वो फिंगर को ना वो वहाँ पे देखे आप सेम कोर्स आगे भी है। एक्चुअली मिनी स्कूल है मैम, अब देखो वहाँ बिस्किट डालेंगे तो वहाँ चला जाएगा, आप यहाँ डालेंगे तो यहाँ जाएगा। Good time.